बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग के अध्यक्ष व ऑक्सीजन प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार की रिहाई की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार को कॉलेज परिसर में हाथों में बैनर पोस्टर लेकर शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में जुलूस भी निकाला। आपको बताते चलें कि पिछले 8 माह पूर्व मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन विवाद को लेकर कई मासूम बच्चों की अकाल मृत्यु हुई थी। इसी मामले में डॉक्टर सतीश पिछले 8 माह से न्यायिक हिरासत में है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुछ डॉक्टरों ने कहा, अंदर ही आइए भाई, अंदर ही आइए। आइए आइए आइए, आते नहीं आते। चाहती हैं आप? चाहते हैं कि वो निर्दोष है, आप लोगों ने प्रदर्शन किया? जैसे कि याद हो 10 अगस्त को जो ऑक्सीजन हादसा हमारे यहाँ पर हुआ था, उसी के उसमें डॉक्टर सतीश कुमार जो विभाग अध्यक्ष एनेस्थीसिया विभाग के थे वो, और प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा जेल में है, उनकी अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्हीं के लिए हमने जो है कि सभी डॉक्टर्स ने गोरखपुर के एक सॉलिडरिटी मार्च दिखाया है, जिसमें ये हमने सरकार और जुडिशरी सिस्टम से अपील करी है कि उनकी उनकी जो भी कार्रवाई हो रही है जेल, जो भी सुनवाई हो रही है उस पर जल्द से जल्द करके उनको न्याय देने की। नहीं, डॉक्टर सतीश ऑक्सीजन प्रभारी नहीं थे, कोई खरीद फरोख्त में उनका वो नहीं था, वो एनेस्थीसिया विभाग के HOD थे और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है। बीच बीच में जो खबर आई थी कि ऑक्सीजन सप्लाई पुष्पा सेल्स जो ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने वाली है, इस चीज़ के जितने भी लेटर जरूरी लेटर्स रहे थे वो जो है डॉक्टर सतीश है आगे प्रिंसिपल और शासन को आगे प्रिंसिपल को जो है जो हमारे अथॉरिटी हेड थे आपके इंस्टीट्यूट के उनको फॉरवर्ड करते रहे थे। तो इस तरीके से तो अगर आप आरोप लगाएं कि उन्होंने अपने कार बखूबी नहीं किया तो ये तो फिर गलत ही होगा। मेरे पति को जल्दी से बेल मिलनी चाहिए, मेरे पति को शीघ्र बेल मिलनी चाहिए। 8 महीने से वो जेल में है, हम लोग बहुत परेशान है पूरा परिवार, प्लीज उनको रिहा किया जाए। कहाँ पूरा क्या मामला है मैडम, किस लिए जेल में बंद है वो? मेरे पति बिल्कुल निर्दोष, बहुत सज्जन इंसान है, बहुत तरह के आरोप लगा दिए कि हम छुट्टी लेकर गए थे, एप्लीकेशन दे कर गए थे, वो सेंक्शन भी है, फिर भी ये आरोप लगाया गया कि बिना छुट्टी लिए चले गए, वो ऑक्सीजन प्रभारी भी नहीं है, ये भी आरोप गलत लगाया गया है। वो बिना छुट्टी लिए चले गए हैं और ऑक्सीजन प्रभारी हैं आरोप है, लेकिन ये सब गलत है। वो उस समय यहाँ पे थे नहीं, इसलिए अपने आप को प्रूफ नहीं कर सके, छुट्टी पे थे। फिर भी तुरंत जब खबर मिला तो वो तुरंत हम लोग वापस आ गए, अपने बेटे की कॉन्वोकेशन में गए थे, उसको अटेंड भी नहीं किया हम लोगों ने। क्या मांग कर रही हैं आप? क्या मेरे पति को बेल दिया जाए जल्द से जल्द, वो बहुत परेशान है, जेल में डिप्रेशन में चले गए हैं।